सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ में फर्स्ट में अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना NIC नंबर लिखना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ना ये कोई भी NIC लिखा हुआ है तो आपको क्रिएट आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी होगी, ठीक है, ईमेल आईडी लिखनी होगी। उसके बाद जो है ना नीचे वाले पोर्शन में आपको पासवर्ड लिखना होगा, ठीक है। अकाउंट का पासवर्ड जो लिखना होगा तो यहाँ पर आपको पासवर्ड नीचे भी सेम ही रखना होगा। अच्छा, पासवर्ड हमेशा आपको याद रखेंगे। सबमिट करना है लास्ट स्टेप में। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आना होगा नीचे और पोर्शन में आपको, अच्छा ये देख लीजिए, ऑनलाइन MBBS, ठीक है। ऑनलाइन MBBS पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये ना फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है ना फर्स्ट वाला फॉर्म ऑप्शन आ रहा है कि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि MBBS में अप्लाई करेंगे या फिर आपको पिछले वाला जो है ना आपको बताऊंगा कि आप जो है ना देख लीजिए ऑनलाइन अप्लाई हुआ, ठीक है, MBBS में। और उसके बाद आपको ये आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना कैर पर सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट कोर्स आपका, आप जिसमें MBBS में या MBDS में आप कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अपना क्लिक करें, ठीक है। MBBS पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एंट्री टेस्ट स्कोर, अच्छा MDCAT में जो है ना आपने जो मार्क्स वगैरह रोल नंबर जो आपका था यहाँ पर रोल नंबर आपको पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको, अच्छा उसके बाद आ रही है आपकी पिक्चर आपको अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैंने पिक्चर को जो है ना ये शेडो वगैरह लगाए हैं कुछ, ये मैंने जो है ना एग्जांपल देने के लिए आपको पिक्चर को बिगाड़ा है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से आपको पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना होगा, ठीक है, पर्सनल नेम आपका जो है ना होगा। और उसके बाद आपके अबू का नाम लिखना है, ठीक है, वालिद साहब फादर का नेम। उसके बाद आपको कास्ट लिखनी होगी, कास्ट आपकी कौन सी है। और उसके बाद कास्ट लिखेंगे, ठीक है। कास्ट के बाद आपको जो है ना यहाँ पर डेटा इश्यूएंस लिखनी होगी, ठीक है, डेटा इश्यूएंस CNSE की लिखनी होगी। और उसके बाद के बाद आपको जो है ना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ये मैं आपको जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना ये गलत लिखी है, ठीक है। तो आपको जो है ना ये CNSE एग्जेक्टिव CNSE पर जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपकी लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना ये मैंने जो है ना गलत सलत लगाई हुई है तो आपको क्रिएटली CNSE पर आपको लगानी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर आना होगा नेशनल जेंडर पूछ रहा है कि आपका जेंडर कौन सा है, फीमेल है या मेल है, ठीक है। उसके बाद ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, ठीक है। तो आपको जो है ना यहाँ पर जो भी सिलेक्शन आपको करने होंगे। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका जो है ना पूछ रहे हैं कि आपको सखर है या कौन सा है आप, अच्छा डोमिसाइल डेटा इश्यूएंस आप पूछ रहे हैं कि, ठीक है। और उसके बाद आपको पर्सनल प्रेजिडेंट एड्रेस पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लगाइए, ठीक है, तो कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। और उसके बाद आना है प्रोवेंसी कौन सी आपकी, सिंध है या बलूचिस्तान के अगर मतलब का जो भी होगी। और उसके बाद आपको नंबर लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा फॉर्म लेंदी है और जो है ना आपको कोई स्टेप मिस ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होगा और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर पुट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल पुट नहीं किए मैंने, मैं फिर से मैं जो है ना अभी पुट कर रहा हूँ।
और उसके बाद जो है ना ब्लड ग्रुप पूछ रहे हैं कि आप ए पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा आपका वो वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि आप रिलेशन से गार्डियन डिटेल दे दें, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप कौन से फादर हैं या फादर के जो जो भी आप जो है ना बड़े होता बड़ा होता है उसको उसका नेम यहाँ पर बुक करना होगा। उसके बाद जो है ना सेनेसी बुक करना है, ठीक है, वाल साहब का सेनेसी बुक करना होगा। उसके बाद और आप अच्छा पूछ रहे हैं कि वाल साहब की इनकम इनकम कितनी है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गार्डियन कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद गार्डियन ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं कि ऑक्यूपेशन गार्डियन का आपका जो है ना वाल साहब या कोई भी गार्डियन आपने ऊपर जो जिसका नाम लिख लिख किया है तो यहाँ पर उसका ही जो ना ऑक्यूपेशन लिखना होगा। उसके बाद है ना मैट्रिक ये एकेडमिक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बीएसएफआर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और पासिंग ईयर मैट्रिक का लिखूँगा, ठीक है। मैट्रिक के बाद जो है ना ग्रेड लिखूँगा, मैंने ग्रेड कौन सा उठाया और सीट नंबर यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल सीट नंबर कोई भी लिखूँगा तो आपको क्रिएट वीडियो आपको लिखना होगा। उसके बाद जो है ना मुझे मैं सखर अच्छा बोर्ड इंटरमीडिएट पूछ रहे हैं, तो मैं इंटरमीडिएट जो है ना कौन से बोर्ड में सेलेक्ट किए थे, मैं सखर सेलेक्ट किए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बाद आपको जो है ना ऑप्टेन मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। ऑप्टेन मार्क्स लिखने के बाद ग्रेड कौन सा है, तो मैं यहाँ पर A1 ही ग्रेड है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सीट नंबर मेरा कौन सा है, तो यहाँ पर मैं सीट नंबर लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है ना ये साइंस वाले सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि साइंस वाले सब्जेक्ट आपको कौन से हैं, तो फिजिक्स थ्योरी 1 में यहाँ पर जो है ना कितने मार्क्स उठाए हैं। और उसके बाद 100 यहाँ पर 100 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिजिकल फिजिक्स 2, ठीक है, फिजिक्स 2 में आएंगे तो आपको यहाँ पर पुट करना होगा। उसके बाद बस आप फॉर एग्जांपल जो ना मार्कशीट पे जो ना एडजेक्टिव जो मार्कशीट पे आपने जितने फिजिक्स में फिजिक्स थ्योरी में आपने जो मार्क्स वगैरह उठाए हैं तो यहाँ पर पुट करने होंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी जो ना यहाँ पर लगा लगाई है, ठीक है, तो आपको क्रिएटिवली लगाने होगी यहाँ पर। फिजिक्स थ्योरी बायोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में जो भी आपने जो भी प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल बाद थ्योरी भी होगी। तो मैंने ये देख लीजिए कि मैंने गलत लगाई है, आपको गलत लगाने के सॉरी ये आपको मैंने बता ये फॉर एग्जांपल मैंने गलत लगाया था तो ये रेड लाइन दे रहा था, ठीक है। रेड यहाँ पर जो ना रेड लाइन आए तो ठीक आप समझ लो कि ये मैंने गलत पुट किया लाइन, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये देख लीजिए लगा दिया है, आपको क्रिएट लगाना होगा। उसके बाद आपको पूछ रहे हैं कि कॉलेज ऑप्शंस, ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद आपको जो है ना ये देख लीजिए कि आप जो है ना यहाँ पर कॉलेज ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज ऑप्शन पे कॉलेज ऑप्शन आपको क्लिक करने होंगे, ठीक है। तो आपको सीरीज है, आपको जो है ना 10 उसको जो है ना आपको ये कह रहा है कि आप जो है ना आप देख लीजिए कि आप जो है ना ये चॉइस में आप 10 चॉइस आपको जो है यहाँ पर आपको एनी हाउ पुट करनी है, ठीक है। तो सीरीज वाइज आपको 1 बाय 1 आप जो है ना जिस जो आपकी जो है ना कॉलेज नज़दीक नज़दीक होगी वो आप वहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नो करना होगा, ठीक है, नो के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन आपको समझ के उसके बाद आपको नो या येस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है फॉर्म को, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ ये देख लीजिए कि आपका जो है ना फॉर्म सारा का सारा फिल हो चुका है, ठीक है। ओपन मैंने ओपन किया है, ठीक है। ये गार्डियन डिटेल्स कॉलेज डिटेल्स कॉलेज चॉइसमेंट आपको जो है ना यहाँ पर देख लीजिए कि नीचे वाला एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे नीचे, ठीक है, मैं नीचे आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर जो ये देख लीजिए एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यानी कि आप कोई ना कोई मिस्टेक करके आए, उसके बाद सबमिट करना है आपको। यहाँ पर कंफर्म करना है कि आपने सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो चुका है सारा का सारा। ये देख लीजिए कि थैंक्स फॉर योर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस योर सबमिटेड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये सबमिट कर लिया है कि ये आपका सारा का सारा फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।